तो भाई आज के व्लॉग में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा अपनी गॉडज़िला की सर्विस और ना आज हम मेन चीज़ करवाने वाले भाई इसका इंजन जो है पूरा फ्लश करवाएंगे। कोका कोला निकल लिया इसमें से। तो हेलो व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सभी को राम राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार की ब्रोज। तो बाकी आज ना सबसे पहले तुम चेक करो मौसम भाई, ये देख पा रहे हो भाई खतरनाक मौसम हो रहा है आज का। बिल्कुल सुबह से बारिश लगी हुई है तो अभी यार मौसम शांत हो तो हमने कहा अब जाते हैं हल्द्वानी थोड़ा व्लॉग वगैरह शूट करता है। तो भाई आज के व्लॉग में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा अपनी गॉडज़िला की सर्विस और भाई एक मेन चीज़ है जो कि मैं तुम्हें हल्द्वानी जगह बताऊँगा वो अपनी बाइक में करवाने वाले हैं। और जो भी बाइक वगैरह ओन करते हैं ना भाई वो पक्का करवाना अपनी बाइक पे। तो फटाफट चलते भी ना किसी तरीके हल्द्वानी को। तो बाकी ये अपनी गॉडज़िला भाई स्टार्ट कर दिया हमने। बाकी लुक चेक करो भाई, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? बाकी ना इसका जो हेड का भाई सीन है ना इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो तुम लोग मुझे कुछ रिकमेंड करो भाई इसमें क्या करें। तो बाकी बिना किसी देरी के फटाफट मैं हेलमेट वगैरह वियर करता हूँ, फटाफट चलते हैं शॉप पे जाकर और वहीं जाके बता दो कि आज हम क्या करवाने वाले हैं अपनी बाइक पे। सर्विस तो होगी होगी, तू नहीं बैठेगा बेटे? जब पीछे बैठते पीछे, इतना लड्डू से चढ़ जा, पीछे बैठ पीछे। तो भाई हमारे बीच में ऐसी होता रहता, तुम लोग कुछ कमेंट करके बताना कि किस किस के बीच में ऐसी होता है। तो बाकी बिना किसी देरी फटाफट चलते हैं हल्द्वानी भेजे के मिलते हैं और तुम्हें बताते हैं क्या सर्विस में क्या करवाने वाले भाई। बाकी बता देगा सर्विस में क्या क्या करवाने वाले भाई। भाई लोग पहुँच चुके हैं अभी हमने कार्तिक भाई की शॉप पर जहाँ अपनी बाइक की सर्विस वगैरह करवाते हैं तो वो भी चेक करवाते हैं। अरे भाई अपनी गॉडज़िला आज हल्द्वानी में इतना कीचड़ है भाई क्या बताएं। भाई जी जूते तो बच गए भाई, बहुत आराम आराम से आ रहे थे। बाकी वो गाड़ी के हाथ चेक मार रहे, देख रहे नीचे देख पा रहे हो? खतरनाक हो रहा भाई, इसका टायर वगैरह भी चेंज करना है। बाकी गाड़ी की हाथ तो ऐसी हो रही है, आज वॉश भी करवा लेंगे इसको। पहले करवा था यार मैंने कहा सर्विस करवानी है, उसके बाद में कराऊंगा सर्विस वॉशिंग वगैरह भी। तो पहले सर्विस वगैरह करवा लेते गाड़ी की और ना आज हम मेन चीज़ करवाने वाले भाई इसका इंजन जो है पूरा फ्लश करवाएंगे। अब फ्लश क्या होता है ना भाई, देखो इंजन ऑयल जब भी तुम्हारा चेंज होता है ना तो ये मत सोचना कि तुम्हारा पूरा इंजन ऑयल बाहर निकलता हो पूरा चेंज होता है भाई, कभी नहीं होता ऐसा। तुम्हारे इंजन में ना भाई कुछ लेवल पुराना ऑयल रहता ही रहता है। तो भाई इंजन फ्लश में क्या होता है ना, तुम्हारा जितना भी एक्स्ट्रा बचा हुआ तुम्हारा इंजन ऑयल है यूज़ करा हुआ वो पूरा निकल जाता है, मतलब कि पूरा टोटल इंजन का जो ऑयल है सब बाहर आता है वो फ्लश के थ्रू। फ्लश एक केमिकल टाइप का होता है उससे फ्लश करते हैं। तो बाकी सीन क्या है ना भाई आज हम करवाने वाले फ्लश, क्योंकि इसके भाई अच्छे खासे किलोमीटर हो चुके हैं, मतलब 10 से 10,000 किलोमीटर के अंदर अंदर करवा देते हैं, लेकिन इसके भाई अभी 13-14,000 के आसपास होकर चल गई है गाड़ी। तो इस वजह से भाई हम मैंने करवाया नहीं, मैं पिछले दिन में करवाने वाला था, मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन मैंने कहा अब आया हूँ तो अब करवा लेता हूँ। तो इंजन फ्लश का ये फायदा होता है भाई, जितने भी अंदर का कूड़ा करकट होगा ना पुराने ऑयल वाला वो सब साफ हो जाएगा। और उसके बाद आज हम दिलवाएंगे भाई अपना 7100 और बाकी तुम्हें बताऊंगा कि क्या स्पेसिफिकेशन है उसकी। तो बाकी फटाफट से भी भैया यार काम पे लगे पड़े, कारण भाई स्कूटी पे लगे पड़े इधर पे, तो ये वो काम होता है उस पर अपनी बाइक की सर्विस करवाते हैं। बस 2 मिनट वेट करो उसके बाद दिखाते हैं भाई मस्त करके। बाकी वहाँ बाइक की तो बाकी वहाँ चल रही है बाइक की। ये भी यार बाइक की सर्विस वगैरह चल रही है वहाँ पर वो। तो अभी यार मैंने सोचा कुछ खा पी लेते हैं भाई, सुबह से नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करा है तो वो और अभी टाइम वगैरह हो गया भाई 11-12 बज गया होगा या उसके बीच बीच का कुछ हो रहा होगा। तो यार मैंने सब कुछ खा पी लेते हैं तो भी आए हुए भाई यहाँ पर कम स्टॉल पर चेक कर पा रहे हो भाई। तो आज भाई यहाँ पर खा रहे हैं भाई कड़ी चावल, बाकी कमेंट करके बताना भाई किस किसने खाई है और कैसी लगती है। तो हम खावा लेते हैं उसके बाद बाइक के पास जाते हैं, उसमें बाइक के हाथ चेक करवाते हैं भाई। ये हम खाना खाते भाई, अपनी गाड़ी वगैरह सब खुल गई थी यहाँ पर को, बाकी एयर फिल्टर वगैरह सब बाहर निकाल दिया। ये चेक मारो भाई, तो ये फिल्टर बाहर निकल गया, बाकी उस साइड से भाई सब चीज़ें खुलेंगी, चैन वगैरह भी साफ हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। बाकी ये देखो बाकी मस्त हो जाती सर्विस कराने के बाद गाड़ी। तो बाकी अभी सोच रहे कि फ्लश वगैरह करवाते हैं। तो ये है भाई मैपल का इंजन फ्लश। तो भाई साहब काम क्या होता है ना भाई, अभी इंजन ऑयल में पड़ेगा, यूज वाला इंजन ऑयल में पड़ेगा ऐसे करके, और उसके बाद इंजन को स्टार्ट करेंगे भाई 5 से 10 मिनट के आसपास। तो ये क्या काम करता है ना भाई, तो जब इंजन ऑयल रिमूव करते हैं पुराना वाला तो उसके साथ सारी गंदगी भाई बाहर आ जाती है, तो इसलिए भाई ये करवाना पड़ता है हर 10,000 किलोमीटर में, तो उसका ध्यान देना भाई। तो अभी ये करवाते हैं उसके बाद देखते हैं भाई। तो बाकी अभी यार डालते हैं अपने इंजन में, बाकी देखते हैं भाई ये सीन बनता है भाई। ये पीछे काम चल रहा है और फिर आगे काम होगा, देखते रहो भाई। यहाँ पर चेन वगैरह सब खुल गई, लेकिन चेन इसकी बहुत ड्राई हो चुकी है देख पा रहे हो। अभी ल्यूब वगैरह भी करवा लेंगे, ऐसा स्प्रॉकेट भी हिल रहा भाई, ये सबका सोना पड़ेगा अभी। अब थोड़ी देर वेस्ट करते हैं उसके बाद काम, मतलब साफ सफाई हो रही है अभी। अरे भाई यार ये क्या आ गया यहाँ पर, तो थोड़ी देर में वीडियो बनाता हूँ भाई अभी। तो भाई अभी नॉर्मल सर्विस ही हो रही है, बाकी जो पेट्रोल वगैरह है भाई उसी से पार्ट्स वगैरह साफ हो रहे हैं तो दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज ये नॉर्मल सर्विस ही है। जब मेन काम इसका आएगा ना भाई ये फ्लश का, तो उस वक्त मिलते हैं आपसे सीधे। बाकी सर्विस के लिए भाई हम यही यूज़ करते हैं भाई मोट्यूल का खर्चा सौ 20W50। भाई जिसको समझ में नहीं आता ना 20W50 सब क्या होता है तो मैं बताता हूँ। देखो ये होता है भाई टेम्परेचर, 20W मतलब विंटर के सीज़न में 20 डिग्री तक ये जो हमारा तेल है भाई काम कर जाएगा, और 50 मतलब हो गया तुम्हारा समर का टेम्परेचर, मतलब 50 डिग्री तक तुम्हारा जो ऑयल है
ये चल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं कि इस टेम्परेचर में ख़राब नहीं होगा ये ऑयल। तो बाकी यार मैं ये प्रेफर करता हूँ किसी भी बाइक के लिए क्योंकि फुली सिंथेटिक होता है। बाकी इसके लिए अगर तुम जानो तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बाकी अगर प्राइसिंग वगैरह जाननी हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, वो भी बता देंगे। तो बाकी भी यार काम हम चल रहा है फिलहाल अभी बाइक का ही, तो थोड़ी देर में फ्लश वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, तो सीधे फ्लश के टाइम पर मिलते हैं यार। ये फाइनल भाई मेन काम जो था आज हम करवाने वाले हैं भाई, वो है फ्लश का भाई, फ्लश पड़ने वाला है। तो अभी थोड़ी देर अभी क्या होगा ना भाई, पहले फ्लश पड़ेगा, उसके बाद 10 मिनट या 5-10 मिनट के आसपास में गाड़ी स्टार्ट रहेगी। थोड़ा जो इंजन ऑयल के अंदर जितना भी फर्स्ट है भाई, मतलब जो फ्लश वाला ऑयल है ये पूरा मिक्स हो जाएगा, जिससे कि ना भाई जितना भी अंदर का काढ़ापन है, जो भी तेल का जितना भी गंदगी, सब एक साथ मिक्स होकर सब बाहर आएगी भाई तेल के साथ ही। तो भाई चेक करो फ्लश पड़ जाएगा इस पर। तो भाई ये चीज़ मस्ट है भाई, 10 से 15 मतलब 10,000 या 12,000 किलोमीटर में तुम अपनी बाइक में करवा सकते हो। और इंजन तुम्हारी हेल्थ, थोड़ा इंजन की जो हेल्थ होती है थोड़ी बढ़ जाती है इससे, बाकी परफॉर्मेंस हमें तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है और थोड़ा माइलेज वगैरह भी अच्छा हो जाता है। और बाकी अभी भी पड़ी है, चेक करो भाई। तो चेक करो भाई, चेक करो पड़ी है फ्लश, और होगा स्टार्ट इंजन। तो इंजन इंजन स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद ऑयल ड्रेन के टाइम पे पड़ी है जामे प्लस, और कर दी सेल्फ स्टार्ट, और अब होगा भाई मस्त कर दिया मिक्स। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब ऑयल ड्रेन करेंगे भाई। फाइनली भाई जो अपना भाई फ्लश का काम था वो पूरा हो चुका है, फ्लश ने भाई पूरा तेल जो भाई जितना भी गंदगी सब इकट्ठा कर लिया है, और बाकी अब काम रह गया भाई ड्रेनेज का, मतलब कि जो इंजन ऑयल है भाई वो बाहर निकलेगा। तो अब देखते हैं भाई कैसा आता है भाई, इतना निकलेगा काला भुट्टे ऐसा तेल निकलेगा देखने में, मतलब बहुत ही काला, क्योंकि ना हमने वो एग्जॉस्ट लगा के भाई रैली में गए हुए, बहुत बम पटाके फोड़े उस दिन भयंकर, और बहुत रैप करा था, तो चक्कर में ना वो इंजन बहुत जल्दी जल गया था। तो अब देखो क्या सीन बनता है, अब देखना भाई कैसा निकलेगा, तो मैं दिखाते हैं एक बार। अरे हाय देख लो, कोका कोला निकल लिया इसमें से, काला तेल निकल रहा है पूरा। ये फायदा होता प्लस का, तो 10-12 हज़ार किलोमीटर में करवा लेना प्लस को, इससे तुम्हारा इंजन सेफ रहेगा भाई। तो भाई नया इंजन ऑयल पड़ेगा इसमें बढ़िया करके। तो भैया पूरा निकाल दिया, देख लो फब्बारा, ये फब्बारा दिख मेरा फोन में भाई, पूरा डेन हो गया भाई ऑयल, इतना गंदा ऑयल देख लो। और आइए ये देखो भाई काला तेल भाई, देख लो भुसंडे जैसा बैंक पूरा निकल गया तेल भाई पूरा। काम शुरू हो गया भाई इसमें इंजन ऑयल का, मेन काम मतलब मेन काम में फ्लश का था, बाकी अब इंजन ऑयल पड़ेगा इसमें बढ़िया करके। और जो दलवाज में दिखा दिया मैंने भाई 7100 कितना है, 10W50 10W है भाई, अंतर होता है हाँ, डिग्री डिग्री का फर्क आ जाता है ना, W मतलब अच्छा है कम है उससे अच्छा है, टेम्परेचर का फर्क नहीं आता क्या इसमें, वही जितना भारी उतना वो गर्म चलेगा, ज़्यादा भारी तो भी इंजन ही नहीं घूमेगा, फ्रीज भर देते हैं ऐसे ऐसे करके। बाकी चेक करो भाई गर्म होगा अपना मेल्ट हो जाएगा, स्टिंग डाल दी भाई मैंने, अब देखो चलेगी ये हायबुसा की स्पीड नहीं ZX10R, स्मेल बड़ी प्यारी है हाँ, खुशबू अच्छी है इसकी। अभी भाई हम फाइनली परचेस करके लिए हमें डीजल, भाई डीजल है इसके अंदर हाँ। और तो बाकी अब काम क्या करवाना है भाई, थोड़ा सा चैन वगैरह साफ़ करवानी है, और गियर ऑयल पड़वाना है इसमें, मतलब सॉरी गियर ऑयल हाँ स्कूटी का वाला आता है गियर ऑयल बोर्ड होगा वो पड़वाना है। मैं और पता भैया बोल रहे थे कि यार जो अपना ल्यूब होता है उससे ज़्यादा सही होता है गियर ऑयल वगैरह, तो अभी साफ आफ करवाते हैं और उसके बाद गियर ऑयल पड़वाते हैं, उसको फटाफट चलते हैं घर को और तुम्हें देते हैं भाई प्यारा सा छोटा छोटा रिव्यू और राइड रिव्यू की कुछ परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया नहीं आया माइलेज वगैरह, तो फटाफट काम करवाते हैं उसके बाद निकलते हैं हम लोग भी। तो बाकी भैया फिर हो चुके हैं, अब करवाना भाई चेन क्लिंग का काम, बाकी अब डाल रहे हैं भाई माउंटेन ड्यू लिम्का, डर के आगे जीत है क्या बोला तूने। तो आगे भी चेक करो भाई चेन हो गई स्टार्ट, तो आगे चेन क्लीन करना भाई हमेशा यूज़ करना भाई डीजल, पेट्रोल यूज़ करके भाई दिक्कत हो जाएगी। जो चेन क्लीन का ब्रश आता ना वही परचेस कर लिया, तो बस भाई चेक करो भाई चेक करो भाई। तो बाकी भाई अभी आज से भी सब इससे भी हो जाएगा साफ बिल्कुल, चेन तो भाई वैसी बहुत खतरनाक हो रही है हमारी, तुम गंदे की चेक करो नीचे भयंकर, पता नहीं दिख रही कैमरे में, लेकिन भाई पूरा काला हो रहा भयंकर। चलो आज भाई साफ़ हो जाएगी पूरी गाड़ी, तब करेंगे भयंकर, घर में हो नहीं पाता, तो मैंने कहा जब आ ही रखे हैं भैया ने कहा करवा लो, तो मैंने कहा करवा ही लेते हैं। बाकी ब्रश भी परचेस कर लिया, तो बाकी यार उसको भी जाएंगे घर बैठे, पुराना जो ब्रश था ना वो टूट गया था चेन के अंदर फंस गया था, पहली बार कर रहा था हीरो बन रहा था साफ़ करने वाला, तो भाई टक का घुसा वो टूट गया भाई। तो बाकी चेन वगैरह भी साफ़ हो गई है, अब सीधे मिलते हैं गियर ऑयल डालते वक्त भाई।
चेक करो भाई चेन हो गई बिल्कुल साफ। अब रह गया भाई इसमें चेन लूप करना, तो बस अब लूप करते हैं फटाफट और वॉश कराएंगे भाई हमें चेतन भाई की शॉप पर। तो फटाफट करते हैं और वॉशिंग टाइम पर मिलते हैं आपसे भाई। तो बाकी भी यार ये तो पढ़वा रहे स्कूटर पे, स्कूटी पे बाइक पे स्कूटी वगैरह हूँ स्कूटर पर पढ़ के स्कूटी बोल रहा हूँ। तो बाकी ये चेन गियर ऑयल है तो मुझे पड़ेगा अपनी चेन पे, इससे ना चेन ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और ज़्यादा रिलायबल रहता है ल्यूब के हिसाब से। तो बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि ज़्यादा अच्छा होता है ये ल्यूब। तो बाकी उसको पढ़वाते हैं अपनी बाइक पर और फटाफट चलते हैं वॉशिंग सेंटर भाई। तो बाकी अभी डाल ले ल्यूब बढ़िया करके और फिलहाल अभी बाइक की सर्विस वगैरह सब डन हो चुकी है, चेन क्लीन भी हो गई है ल्यूब भी हो गई है। अब चलना भाई सीधे वॉशिंग सेंटर, सीधे चलते हैं वॉशिंग सेंटर में मिलते हैं आपसे। फिलहाल ये पहुंच चुके हैं अपने घर, सर्विस वगैरह सब कुछ डन करवा ली थी और बाकी वॉश भी करवा ली थी। तो मैं चेक कराते हैं अपनी गॉडज़िला को, पहले लाडो निकलना बार बार तो चेक मारो इधर खड़ी अपनी प्यारी सी गॉडज़िला, बाकी सर्विस वगैरह सब कुछ डन कर ली थी और चेक कर पा रहे हो कि भाई क्या शाइन मार रही है मस्त वाली। तो बाकी यार जो हमने फ्रेश कराया हुआ था ना उसका भाई इंजन में एक रिफाइनमेंट आ गई है और इस बार हमने फुली सिंथेटिक वाला जो अपना फुली सिंथेटिक इंजन वाला था वो डलवाया था इस पर, तो उससे भी थोड़ी रिफाइनमेंट आ गई है। अभी ना उससे पहले इंजन भाई बहुत ज़्यादा हैवी चल रहा था, फिलहाल अभी जो इंजन है भाई थोड़ा स्मूथ वर्क कर रहा है। बाकी तुम्हें सेल्फ मार्किंग इसकी आवाज़ सुनाते भाई, चेक कर रहे हो कितना आराम से स्टार्ट हुआ कितना सॉफ्टली चल रहा है, मतलब अभी बहुत स्मूथ चल रहा है। चलाते वक्त भी थोड़ा पिकअप में पावर से लग रहा था और माइलेज भी थोड़ा बढ़ चुका है। मतलब यार देखो सर्विस तुम अच्छी करवाते हो ना, जब ऑयलिंग मेरा प्रॉपर करवाते हो सब कुछ अच्छा करवाते हो तो उससे सीन क्या बनता है ना, तो तुम्हारा जो माइलेज होता है ना थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब 2-3 किलोमीटर का फर्क आता है, उतना मतलब नज़र नहीं आता लेकिन 2-3 किलोमीटर का फर्क आ जाता है। तो बाकी चार डंडे चेक कर पा रहे हो भाई, देख रहे हो मतलब अभी 2-3 दिन हो गए मैं व्लॉग आज एंड कर रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले कराया था पेट्रोल अभी तक चल रही है, मतलब अभी 4 घंटे हैं तो माइलेज मतलब 3 से 4 किलोमीटर के आसपास तुम मान लो कि इंक्रीज़ हो जाता है। बाकी इंजन की रिफाइनमेंट भाई वापस आ चुकी है, आवाज़ वगैरह भी अच्छी हो चुकी है, थोड़ा बेसी साउंड कर रहा है क्योंकि ना इंजन जब रिफाइंड होता है तो आवाज़ ही बहुत प्यारी करता है। बाकी तुम्हें चेक कराते इसकी आवाज़ अभी, देखो आराम से भाई रेजन की ज़रूरत नहीं पड़ती इजीली स्टार्ट हो जाता है। बाकी यार सब कुछ जान चुके हैं, सर्विस भी हो चुकी है और बहुत प्यारी आवाज़ कर रही है अभी। तो बाकी कमेंट करके बताना कि यार आपको भी अगर फ्लश करवाना है, अगर डिटेल वगैरह सब कुछ जाननी है तो मैंने भाई पूरा बनाई है वीडियो उसके बारे पे कि फ्लश का काम क्या होता है और क्या क्यों डलवाते हैं और कब करवाते हैं, तो उसको पूरा देखने लगे ना भाई पूरी वीडियो देखना, अगर तुम थोड़ी सी स्किप करिए तो भाई वापस से जाके देखो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और भाई के चैनल को भाई प्यार दो बहुत सारा। बाकी अपने ब्लॉग को देखते रहते हैं, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो ऐसे हंसते रहो खेलते रहो मेरे ब्लॉग देखते रहो, आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग पे, तब तक का स्टूडियो जय श्री राम भाई।